कासा लगा है हमको ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, और कासा लगाने के बाद हमने कई पेशेंट्स जिनके रिपोर्ट्स नॉर्मल थी उनको भी हमने कासा से टेस्ट किया, जिनमें कि उनके डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स हमको ज़्यादा मिली, तो हम उन पेशेंट्स को एक कारण बता पाए कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और फिर हम उनको कन्वर्ट भी कर पाए कि वो समझा पाए कि आप IVF कराइए, IVF से आपको फ़ायदा होगा। कई पेशेंट्स तैयार हो गए IVF कराने के लिए, और IVF कराने से उनको फ़ायदा भी हुआ, तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और पेशेंट्स भी अब समझ रहे हैं तो टेस्ट करा रहे हैं। IVF से एज सच कोई नुकसान कुछ भी नहीं है, मतलब IVF कराने के बाद आपकी बॉडी पे जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं, वो जनरली उनका असर 1 महीने बाद ख़त्म हो जाता है, और वो बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद उनका कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स या कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे बॉडी पे नहीं रहते कि जो नुकसान करें आपको। लाइफ लॉन्ग भी कोई नुकसान इन दवाइयों से नहीं होता, ये तो बॉडी के रिप्लेसमेंट हार्मोन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, इनसे कोई ऐसा अलग से कोई इफ़ेक्ट बॉडी में नहीं होता। बाकी कुछ मरीजों में जैसे इंजेक्शन्स लगाने के बाद कई ज़्यादा अंडे बन जाते हैं, तो उन मरीजों में ज़रूर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो भी आजकल कई तरह की मेडिसिंस आ गई हैं जिनसे कि हम उस कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है, और जिसको कि हम हमारे लैंग्वेज में OHSS या ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं, लेकिन उनको हम आजकल पहले से पता लगाया जा सकता है कि किस मरीज में ये हो सकता है, और उस हिसाब से उनकी डोज कम करी जा सकती है, और उनको उससे बचाया भी जा सकता है, तो आजकल इंसिडेंस बहुत कम हो गया है OHSS का भी, जो पहले बहुत देखने को मिलता था आजकल कम है।